आदिवासी लोग पुलिस थाने या कोर्ट जाने से डरते हैं। जब वे किसी आदिवासी व्यक्ति को शीर्ष पद पर देखते हैं तो उन्हें भी यह विश्वास होगा कि वे भी कुछ कर सकते हैं। यह बात जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया था तो उनकी बेटी इतिश्री ने कहा था। और आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत गई है और वह देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन गई है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में एनडीए की ओर से आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को और विपक्षी पार्टियों की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा था। 18 जुलाई 2022 को ही इस राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जीत गई है और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएट पूरा की और अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर राय रंगपुर में शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके दो बेटे और एक बेटी हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति का अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी त्रासदी को झेलते हुए भी वे आगे बढ़ती रही। झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले वह ओडिशा में दो बार विधायक और एक बार राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी है। द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति उम्मीदवार है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। वह बहुत ही सरल और ईमानदार महिला है। वह बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार की महिला है। दशकों तक पर्याप्त भोजन और वस्त्रों से भी दूर रहे आदिवासी समुदाय को देश के सबसे बड़े भवन तक पहुंचाकर भारत ने विश्व को एक बार फिर दिखा दिया है कि यहाँ रंग, जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय का कोई भेद नहीं चलता। एक आदिवासी समाज की महिला का राष्ट्रपति बनना एक बहुत ही सुखद संदेश है। देश की इस बेटी पर गर्व है।